जबरदस्त ओपनिंग के साथ रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म पठान। ट्विटर पर आते ही कंगना रनौत ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर साधा निशाना। किसी का भाई किसी की जान का धमाकेदार टीजर हुआ रिलीज। डालिए आज की 10 बड़ी चटपटी खबरों पर एक नजर। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम की फिल्म पठान रिलीज हो गई है। फिल्म को फैंस के साथ साथ क्रिटिक्स का भी अच्छा रिस्पांस मिला है। सभी ने ट्विटर पर अपना रिव्यू शेयर किया है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक पठान रिपोर्टेडली वॉर से आगे निकल गई है। ट्विटर पर वापसी करते ही कंगना रनौत ने इंडस्ट्री पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि फिल्म इंडस्ट्री मूर्ख है। कंगना की टिप्पणी शाहरुख खान की फिल्म पठान के रिलीज के दिन आई है। उनके ट्वीट को देखकर लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि वो पठान पर निशाना साध रही हैं। सुपरस्टार सलमान खान की अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान का टीजर रिलीज हो गया है। टीजर में एक्शन हाई वोल्टेज दिखाया गया है, जिससे ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म फुल ऑन एक्शन, कॉमेडी और रोमांस का भरपूर डोज साबित होगी। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर की बेटी मालती की प्यारी फोटो। बीच पर अकेले एंजॉय करती दिखी मालती। शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज हो चुकी है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जहां विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता फिल्म का विरोध करते नजर आए। शिल्पा शेट्टी ने रोहित शेट्टी के साथ इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी फिल्म इंडियन पुलिस फोर्स की शूटिंग खत्म होने की जानकारी दी है। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर अपना अनसीन वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो पहाड़ों के बीच खूब मस्ती करती नजर आ रही हैं। साथ ही कैप्शन में लिखा, हैप्पी हिमाचल स्टेटहुड डे। वरुण धवन ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जहां सारा अली खान से लेकर जानवी कपूर, मलाइका अर्जुन जैसे कई बड़े सितारों ने चार चांद लगाए। अनुराग कश्यप ने शाहरुख खान की फिल्म पठान देखने के बाद अपना रिव्यू शेयर किया है। क्या कहा उन्होंने, आप खुद ही सुन लीजिए। खतरनाक एक्शन है, जॉन और शाहरुख का एक्शन बहुत खतरनाक है। शाहरुख इस तरह की फिल्म करते हो पहली बार देखा हूँ मैं। अभी कैसे लगेंगे वो, क्या बॉडी बनना है भाई।